मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे नारियल की चटनी। तो इस नारियल की चटनी में हम उड़द की दाल का यूज़ करेंगे। तो जब हम उड़द की दाल के साथ ये चटनी बनाते हैं तो चटनी हमारी बेहद टेस्टी बनती है। तो नारियल की चटनी तो वैसे कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन इन माय ओपिनियन ये नारियल की चटनी की बेस्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए बना लेते हैं नारियल की चटनी। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। तो चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसलिए छोटी सी कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर और इसे गर्म कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बस 1 टीस्पून ऑयल। देखिए, बस 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ हमने कढ़ाई में बस 1 टीस्पून ऑयल गर्म कर लिया है और देखिए हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप उड़द की दाल है ये, और बिना छिलके वाली दाल है उड़द की। और इसको धोना नहीं है हमें और भिगोना भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई इसको इस तरह से पीस भूनेंगे हम। और अगर आपको लगता है कि दाल के ऊपर थोड़ा व्हाइट पाउडर सा जैसे होता है कभी कभी, तो आप किसी किचन टॉवल से बस इसको पोंछ लीजिए एक बार और फिर इसको इस तरह ड्राई भूनना है। देखिए, बिल्कुल ड्राई भूनना है हमें। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम और चलाते हुए भूनेंगे। ध्यान रखना है कि दाल हमारी जले नहीं बिल्कुल भी, बस रेड से कलर की, गोल्डन से कलर की हो जाए। तो देखिए, दाल हमारी भुन चुकी है, हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुना है कुछ देर, और देखिए गोल्डन से कलर की हो गई है। इस तरह से अच्छी सी भुन गई है, दाल हमारी जलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस लगातार चलाते हुए भून लीजिए इसको। तो दाल में हमारा सुंदर सा कलर आ गया है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत लाल मिर्चें। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 ऐड कर सकते हैं, मैं 4 ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें 1 या 2 पिंच हींग। देखिए, हींग भी ऐड कर रही हूँ मैं, 1 या 2 पिंच ऐड कर दीजिए, 2 पिंच ऐड कर दिया। और बस गर्म गर्म दाल में इसको मिक्स कर देती हूँ मैं। गैस तो मैंने ऑफ कर दी थी पहले ही, इसको आप मिक्स कर देंगे, ठंडा होने देंगे और फिर इसको हम पीसेंगे। तो दाल तो हमारी ठंडी हो रही है। यहाँ पर हमने ले लिया है एक फ्रेश नारियल और मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके और मैं इसको कट कर रही हूँ। तो छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी रहे। तो ये एक पूरा नारियल था और अगर कप से मेजर करेंगे तो ये 2 कप के करीब नारियल होगा। और यहाँ हमने लिया है एक इमली का टुकड़ा। देखिए, एक नींबू के साइज की बॉल ली है मैंने इमली की, और बहुत ध्यान से इसको चेक कर लेंगे इसमें कोई बीज ना हो। इमली का एक भी बीज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे पीसना है हमें, अगर बीज पीस गया तो चटनी का टेस्ट खराब हो जाएगा हमारा। अब यहाँ हमने जो दाल भूनकर रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कलर। देखिए, इसका ऐसे ही होना चाहिए, गोल्डन सा कलर होना चाहिए इसका, और बिल्कुल दाल जलनी नहीं चाहिए हमारी। अब इसे हम पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मिक्सी का जार और इसमें मैं डाल देती हूँ अपनी दाल जो हमने भून के रखी है। साबुत मिर्ची और हींग भी है इसमें, तो इस सारी दाल मैं ऐड कर देती हूँ मिक्सी के जार में इस तरह से। तो दाल तो हमने ऐड कर दी है मिक्सी के जार में, अब मैं इसमें ऐड करूंगी इमली। तो इमली को ऐड करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए आप इसमें कोई बीज ना हो इमली का। देखिए, ये जिस तरह होते हैं बीज, इन्हें जरूर निकाल दीजिए क्योंकि अगर ये पिस गए तो आपकी तो मिक्सी भी खराब होगी और चटनी का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इमली ऐड कर दी है मैंने। और आप अगर यहाँ चाहें तो मार्केट में इमली का पेस्ट भी मिलता है बहुत इजीली, तो वो भी डाल सकते हैं आप। इमली का पेस्ट डाल लीजिए 1 टीस्पून, या फिर ये इमली डाल दी मैंने। और अब यहाँ डाल रहे हैं इसमें हम नारियल जो हमने रखा है कट करके, अपना नारियल ऐड कर देंगे। तो हमने नारियल ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए इसमें। और पीसने के बाद अगर लगता है आपको नमक कम है तो आप बाद में और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, तो मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ पहले। 1/2 कप पानी ऐड करके इसको पीस लेते हैं और फिर अगर लगेगा पानी कम है तो हम पानी बाद में और ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। तो हमने दाल को 1-2 बार चलाया है, इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, दाल अभी काफ़ी गाढ़ी है हमारी और ठीक से पीसी भी नहीं है और दाल सब ऊपर आ गई है। तो मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी। अब अपने हिसाब से आप पानी और ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहें। मैं 1/2 कप पानी और ऐड कर लेती हूँ, मिक्स कर लूंगी इसको और फिर से पीसती हूँ एक बार। तो
मैंने चटनी में हाफ कप पानी और ऐड किया था, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था मैंने, और फिर मैंने इसको पीस लिया था। अब इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। हाँ देखिए, चटनी मेरी बिल्कुल तैयार लग रही है, अब बिल्कुल बढ़िया से पीस चुकी है। देखिए, अब इसे बोल में निकाल लेते हैं और बनाते हैं इसका तड़का बढ़िया सा। तो अब मैं अपनी चटनी को बोल में निकाल लेती हूँ। अगर आपको चटनी पतली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए इसको। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप चटनी को, पतला या गाढ़ा जैसे पसंद है आपको। यहाँ हमने एक तड़का पैन गरम किया है, इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑयल, और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने, ये ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें 2 से 3 सूखी साबुत लाल मिर्चें। तो देखिए, ये फ्राई हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। गैस ऑफ करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी करी पत्ते। बस अब इसको हम डाल देते हैं अपने चटनी के ऊपर। तो बस चटनी के ऊपर डाल देते हैं ये तड़का जो हमने बनाया है अभी। इस तरह से हल्का सा मिक्स कर देंगे इस तरह से। बस देखिए, हमारी बहुत बढ़िया सी चटनी तैयार हो गई है। तो लीजिए, अब बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी नारियल की चटनी। तो मैंने पहले कई तरह से नारियल की चटनी ट्राई की है, और मेरे ख्याल से ये जो चटनी होती है उड़द की दाल के साथ, ये बेस्ट चटनी है नारियल की, और ये बहुत टेस्टी लगती है डोसे के साथ, इडली के साथ, फड़े के साथ। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।